क्या आप मुझसे शादी करके फिर से विल यू मेरी मी अगेन कबड्डी अच्छी क्या कहा तुमने क्या आप मुझसे शादी करेंगे एक बार फिर यस 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 अनु यस एब्सोल्युटली यस ये कोई पूछने की बात है एक मिनट व्हाट अ कोइंसिडेंस हर जन्म में सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में अनु इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादी प्लान करते हैं हम अपनी शादी की खबर लेके कितने खुश हैं थैंक यू सो मच अब ये तो पता नहीं कि हम लकी हैं या लेट हैं अरे मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रही हो लेकिन मुझे ये पता है कि हम लेट नहीं हम स्पेशल हैं वी आर स्पेशल क्योंकि हम दोनों की जो प्रेम कहानी है दैट इज स्पेशल ऑल द वर्ल्ड डिफरेंट बहुत नई डिफरेंट जस्ट स्पेशल ओके फील हैप्पी अबाउट इट थैंक यू क्या रहती वी आर स्पेशल मान की शादी होगी ओहो मान की शादी है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के लोकप्रिय शो अनुपमा के एक दिलचस्प एपिसोड के बारे में इस एपिसोड में हमें एक नई कहानी देखने को मिली है जिसमें डॉली जो कि मीनू की माँ है अनुपमा के खिलाफ एक गंभीर बद्दुआ देती है क्या आपको याद है कि पिछले कुछ एपिसोड में सागर और मीनू की शादी की तैयारियां हो रही थी लेकिन इस शादी से डॉली इतनी दुखी हो जाती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती जब सागर और मीनू की शादी का समारोह शुरू होता है डॉली को अपने परिवार का सुख छिनता हुआ दिखाई देता है वो सोचती है कि उनकी बेटी मीनू की खुशियों के लिए सागर जिम्मेदार है ऐसे में डॉली अनुपमा से मिलती है और अपनी निराशा और गुस्से का इजहार करती है डॉली का कहना है कि अनुपमा ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है वो अनुपमा को याद दिलाती है कि एक माँ होने के नाते उन्हें अपने बच्चों की खुशी की कितनी चिंता होनी चाहिए डॉली का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो अनुपमा को कहती है कि जिस तरह उन्होंने मीनू की जिंदगी को प्रभावित किया है वैसे ही उन्हें कभी भी अपनी बेटी का सुख नहीं मिलेगा यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा कितनी परेशान और भावुक हो जाती हैं उनके लिए ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल होता है अनुपमा जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ी होती हैं अब खुद को एक कठिन सिचुएशन में पाती हैं वो सोचती हैं कि क्या सच में उनका परिवार का सुख कभी भी वापस नहीं आएगा इसी बीच आद्या और पाखी के बीच भी कुछ विवाद होता है दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है अनुपमा इन सब समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती है लेकिन डॉली की बद्दुआ उनका पीछा नहीं छोड़ती ये एपिसोड हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी से काम लेना चाहिए अब देखना यह है कि क्या अनुपमा अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगी क्या डॉली अपनी बद्दुआ वापस लेंगी या हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।